हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स की पंचनामा सीरीज 5 में सिलेक्शन मेंटर की ओर से मैं ममता दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, 10 जून की करंट अफेयर्स का पंचनामा सीरीज को मैं किसी कारणवश नहीं प्रेजेंट कर पाई, सो आज हम लोग 10 जून और 11 जून की करंट अफेयर्स का पंचनामा सीरीज एक साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में दिए गए सभी क्वेश्चन वो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम लिंक दिया है सिलेक्शन मेंटर वीरत दुबे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए एग्जाम संबंधी तो आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, आप यहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी चाहिए। सो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग को पुनः किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है रक्षा मंत्रालय, सेकेंड है पर्यावरण मंत्रालय, थर्ड है आयुष मंत्रालय, फोर्थ है वित्त मंत्रालय। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर ये रहा थर्ड, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए एक औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। आयुष मंत्रालय के जो सलाहकार है वो हैं डॉक्टर मनोज निसारी जी। आयुष का फुल फॉर्म है ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ये मिश्रण है आयुर्वेद का, यूनानी का, यूनानी चिकित्सा का और होम्योपैथी चिकित्सा का, ये मिश्रण है आयुष मंत्रालय। अभी मैंने बात की थी फार्माकोपिया की, तो फार्माकोपिया का अर्थ होता है दवा बनाना, दवा बनाना। फार्माकोपिया जो है वो है फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरीज, इनका विलय करके ही आयुष मंत्रालय बनाया गया 1975 में गाजियाबाद में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन, किसने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है WHO ने, सेकंड सिमरी ने, थर्ड है ICICI ने और फोर्थ है नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर ये रहा सेकंड सिमरी ने। सिमरी की जानकारी लेते हैं। सिमरी जो है वो दुर्गापुर में स्थित है। इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान और यहाँ के शोधकर्ताओं ने COVID-19 के जो मामले बढ़ रहे हैं इसके कारण वेंटिलेटर की कमी होने के कारण इन्होंने एक स्वदेशी तकनीकी पर आधारित वेंटिलेटर तैयार किया है। और इस वेंटिलेटर का उद्घाटन किसकी अध्यक्षता में हुआ है, किसकी उपस्थित में हुआ है? सिमरी के ही निदेशक हैं डॉक्टर हरीश हिरानी की उपस्थित में हुआ है। इस वेंटिलेटर की कीमत अगर जाने तो वो है 80,000 से 90,000 रुपए के बीच में। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन दिए हैं, थोड़ी इनकी जानकारी ले लेते हैं। WHO इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ओके, ICICI का बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ओके, और यहाँ पे हम सिमरी की बात करते हैं तो दुर्गापुर, इसका स्थापना 1958 में हुई है और ये कहाँ पर है? दुर्गापुर बंगाल में। ओके, सो दोस्तों, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भी मशहूर भारतीय गीतकार रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, वो गीतकार कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है जावेद अख्तर, सेकेंड है समीर अंजान, थर्ड है अनवर सागर, फोर्थ है गुलजार। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर ये रहा फर्स्ट, जावेद अख्तर जी। जावेद अख्तर की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही मशहूर शायर भी हैं, लेखक भी हैं और गीतकार हैं। इन्हें ही प्रसिद्ध रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये सम्मान इन्हें धर्मनिरपेक्षता के लिए दिया गया, क्योंकि ये पुरस्कार दिया जाता है किस किस क्षेत्र में? ये पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा मनोरंजन के क्षेत्र से ताल्लुक रखने वालों से और लॉजिकल तरीके से सार्वजनिक होकर धार्मिक धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का प्रयास करने वालों की दिया जाता है। और ये पुरस्कार धर्मनिरपेक्षता के लिए दिया गया है किसको? जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर जी ही हमारे पहले भारतीय रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, प्रथम भारतीय व्यक्ति बन गए। ओके, ये जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष 2000 प्रतिवर्ष दिया जाता है और 2000 में इसकी शुरुआत हुई है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया है?
कन्नड़ फिल्म अभिनेता का निधन हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट है चिरंजीव सरजा का, सेकंड पुनीत कुमार का, थर्ड है प्रकाश राज का, फोर्थ है नारायण स्वामी का। सो दोस्तों इसका राइट आंसर ये रहा चिरंजीव सरजा का। चिरंजीव सरजा बहुत ही कम उम्र में यानी 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और इन्होंने 2009 से शुरुआत की थी फिल्म वायुपुत्र से। कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और हार्ट अटैक कहते हैं हृदय गति के कारण उनका 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। सो आयु भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। यहाँ और भी अभिनेता दिए गए हैं, पुनीत कुमार ये सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाले पुनीत कुमार अभिनेता हैं। प्रकाश राज जी ये भी इन्होंने हिंदी फिल्म ज्वाइन की है, हिंदी फिल्म में इन्होंने अपना काफ़ी नाम इन्होंने कमाया है। इन्होंने शुरुआत की थी सलमान खान की फिल्म वांटेड से और इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, सिंघम, दबंग 2, बुढ़ा होगा तेरा बाप। ओके, तो ये भी फिल्म में कन्नड़ अभिनेता है लेकिन उन्होंने फिल्मी जो हिंदी फिल्म है इसमें भी इन्होंने काम किया है। नारायण स्वामी है, ये भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले कन्नड़ अभिनेता है। सो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से किल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में 9 जून को पूरे भारत में अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई गई है। अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई गई, उनका नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है भगत सिंह, सेकंड बिरसा मुंडा, थर्ड है सुखदेव, फोर्थ है राजगुरु। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की भी पुण्यतिथि मनाई गई है और ये ताल्लुक रखते हैं झारखंड से। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं इसलिए झारखंड के लोग इन्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं, किसे? बिरसा मुंडा को। ये झारखंड के खुंती जिले से ताल्लुक रखते थे और इन्हें मुंडा की जो तिथि मनाई गई है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ एक गुरिल्ला युद्ध के कारण इनकी मृत्यु होने के कारण मनाई गई। गुरिल्ला युद्ध इनका मुख्य युद्ध था जिसके कारण इनको अंग्रेजों ने पकड़कर रांची जेल में बंद कर दिया और कहा जाता है कि 9 जून 1900 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा एक धीमा जहर देने के कारण इनकी मौत हो गई लेकिन उसे कालरा घोषित किया गया। ओके, तो 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई कालरा के कारण। बिरसा मुंडा बिना झुके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे इसलिए मुंडा प्रजाति के जो लोग हैं, मुंडा आदिवासी हैं, इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सेकंड सीरीज का, कितने देशों ने हाल ही में भी चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन यानी एपेक बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ये रहे, फर्स्ट है 5, सेकंड है 8, थर्ड है 12 और लास्ट फोर्थ है 25। तो आपको बताने हैं कितने देशों ने अभी यहाँ पर एक साथ चीन के खिलाफ नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है, वो दो देश हैं 8, यानी कि बी ऑप्शन सही होता है। आईपेक मतलब इसका थोड़ा अर्थ जानते हुए चलते हैं। आईपेक मतलब होता है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों की रक्षा करना और चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करना, ट्रेड फेयरनेस को बढ़ावा देना, सुरक्षा को मजबूत करना, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना। ये कार्य किसका है? एपेक का। एपेक में शामिल होने वाले देश कौन है? एपेक में शामिल होने वाले देश हैं यूएस, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 महान देश हैं। ओके, तो इन 8 देशों ने मिलकर चीन के खिलाफ नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को हटा दिया है? ऑप्शन फर्स्ट राखी हैदर, गुरदीप सिंह, स्वाति या संजीता चानू। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी संजीता चानू। ये रही संजीता चानू जी। तो संजीता चानू पर अभी डोपिंग का आरोप लगा था, वो हटा दिया गया है। वो IWF ने वाडा की सिफारिश के आधार पर चानू पर लगे आरोप को हटा दिया है। IWF के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, हेडक्वार्टर्स का बुडापेस्ट यानी हंगरी में है। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? उर्सुला पापंडेया। वाडा की थोड़ी जानकारी लेते हैं। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मॉन्ट्रियल यानी कनाडा और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं
बी टोल्ड बंका। नाडा की बात करते हैं तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली, चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इसके हेड होते हैं। तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया बताना है, यानी कि भारत के चेयरमैन यानी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कौन है। यहाँ पे आप IWF का लोगो देख रहे हैं, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का लोगो, यहाँ पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का लोगो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से क्लियर होता है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है चेयरमैन कौन है स्पोर्ट्स के, यानी हमारे भारतीय चेयरमैन स्पोर्ट्स के कौन है, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाया जाने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। इन पर बताना है कि कितने वर्ष पर इनका प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये पाए गए हैं डोपिंग के दोषी। सो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 8 वर्ष और डी है 9 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष के लिए इन पर लगाया गया। तो नाडा के अनुसार जो नीरज फोगाट है, नीरज फोगाट को प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेने का दोषी पाया गया, जबकि अमृतपाल सिंह को प्रतिबंधित पदार्थ ट्यूबेलाइन का सेवन करने के लिए दोषी पाया गया। सो इन लोगों को इस कारण 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ओके, सो यहाँ से हमारा ये 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है। ऑप्शन ए रहे, ए है आपका अडानी ग्रीन एजेंसी एनर्जी लिमिटेड, बी टाटा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सी है भिलवाड़ा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और डी है रिलायंस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों इसका राइट आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहाँ आपको थोड़ा सा ऑप्शन दिए हैं, इस ठेके के तहत कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर प्लांट पावर प्लांट तैयार करेगी, मतलब इस ठेके में इन्होंने ठेका लिया है, और 2000 मेगावाट की घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी। अडानी ग्रुप ने जो टेंडर लिया है ये 6 अरब डॉलर यानी कि लगभग 45,300 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये जो टेंडर है इसको हासिल किया है। अडानी ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गौतम अडानी जी, यहाँ पर देख रहे हैं गौतम अडानी जी। सो यहाँ से हमें आंसर मिलता है अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड, इसने ही ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका प्राप्त किया है। सो यहाँ से हमारा ये आंसर कम समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया की टॉप 500 संस्थाओं की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। ऑप्शन ए है 2 यानी 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो आपको बताना है एजेंसी क्यूएस 2021 के द्वारा जो दुनिया के टॉप 500 संस्थाओं की रैंकिंग में हमारे भारतीय संस्थानों को कौन सा स्थान मिला है, कौन कौन सा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है 8 स्थान मिले हैं, और यहाँ देख रहे हैं आप QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसका आप लोगों देख पा रहे हैं। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 500 संस्थानों में भारत के 8 संस्थान चुने गए हैं। टॉप 200 में भारत के 3 संस्थान चुने गए हैं और टॉप 1000 यानी 1000 संस्थानों में कुल 21 भारतीय संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। सो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अपने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।